देश और अपने प्रदेश से जुड़ी ताजा अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें ANT नेशनल। नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं और उसके बाद साथ में दिख रही घंटी भी दबाएं। बने रहिए हमारे साथ देश और प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के साथ। JKWB उजाला कंपनी का कूलर खरीदने से पहले भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड JKWB लोगो अवश्य देखें और धोखेबाजों से बचें। JKWB उजाला कूलर 25 सालों से एक विश्वसनीय नाम। नमस्कार, मैं हूं अनुराग, आप देख रहे हैं ANT नेशनल। गांव ढाणी खान बहादुर में रविवार देर शाम को 9-10 अज्ञात हमलावरों द्वारा एक दुकानदार का अपहरण कर बुरी तरह से मारपीट कर हत्या किए जाने के मामले को लेकर मृतक के परिजनों समेत गांव के सैकड़ों लोगों द्वारा गांव के पार्क में मृतक के शव को रखकर धरना लगाया गया। इस धरने में इन लोगों द्वारा सरकार व प्रशासन के खिलाफ रोष व्यक्त किया गया। यह धरना लोकतंत्र सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता हनुमान वर्मा के नेतृत्व में लगाया गया। राष्ट्रीय प्रवक्ता हनुमान वर्मा ने बताया कि यह धरना इस मामले में संलिप्त सभी आरोपियों को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किए जाने, मृतक के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिए जाने, मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए आर्थिक मुआवजा और गांव में खुले शराब के ठेके को गांव की सीमा से बाहर किए जाने की मांग को लेकर लगाया गया है। देख के बड़ा अफसोस होता है, पता नहीं हम किस प्रदेश में रहते हैं। इतनी बड़ी दादागिरी की एक व्यक्ति घर आके उसको उठा लिया जाता और उसके बाद आधा घंटा में उसको मर्डर करके उसके घर के सामने फेंक दिया जाता है। और गांव इतना बड़ा गांव और उस आबादी में आके लोग ऐसे कर जाते हैं, ये कैसी दादागिरी है। हमारी तो सरकार से चार मांगे हैं कि भले राम जो मृतक है उनके जितने हथियार हैं उन सबको गिरफ्तार करा जाए। दूसरी डिमांड ये है कि उनके परिजन को एक सरकारी नौकरी दी जाए और 10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए और ये जो ठेका है इसको गांव की सीमा से बाहर करा जाए। ये हम सरकार से मांग करते हैं और मुख्यमंत्री से अनुरोध भी करते हैं कि हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर बहाल करें। ये हालात हरियाणा के अच्छे नहीं हैं क्योंकि आज कोई कानून नाम की चीज़ हरियाणा में नहीं रही। हम ही पाए थे क्या अपने लुटन ने? ये बात होगी बहन जी, हमने तो उजाला कंपनी का असली कूलर चाहिए था, यो क्या दे दिया आपने? यो उजाला का तो है बहन जी। भाई साहब वो वाला चाहिए था जिसपे JKWB का रजिस्टर मार्क हुए। बहन जी यो ले ले, यो भी तो कंपनी का है, न्यू है। उजाला कंपनी का कूलर है तो दे दो, ये तुम्हारे पैसे वापस दे दो। आजकल तो गांव वाला नहीं लग लगा असली और नकली कूलर का। JKWB उजाला कंपनी का कोई भी कूलर खरीदने से पहले भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड JKWB लोगो अवश्य देखे और धोखेबाजों से बचे। राष्ट्रीय प्रवक्ता हनुमान वर्मा समेत मृतक के परिजनों व ग्रामीणों ने चेताते हुए कहा कि जब तक सरकार व प्रशासन द्वारा इन मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक मृतक का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। इस मामले को शराब के ठेके से जोड़कर देखा जा रहा है। पुलिस प्रशासन ने गांव के बस अड्डे के समीप सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए हुए गए, पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया है। शराब के ठेके के पास पुलिस की PCR को भी तैनात कर दिया गया है। पुलिस ने मृतक के बेटे नरेश कुमार की शिकायत पर 9-10 अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। यह खबर गाँव में आग की तरह फैल गई थी। इस खबर को सुनते ही सोमवार प्रातः आक्रोशित ग्रामीणों ने गांव में खुले हुए शराब के ठेके में तोड़फोड़ की। जब इस बारे DSP जयपाल सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस मामले की CIA द्वारा जांच की जा रही है। पुलिस की टीम द्वारा आरोपियों के संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। शीघ्र ही इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बरवाला से ANT नेशनल के लिए कृष्ण सलूजा के साथ अमित कथुरिया की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं ANT नेशनल, खबर वही जो हो सही।